कुजिने महाराज जी ने जो मंत्र हमें दिया कि रहुआ तुमको एक मंत्र दे रहे हैं, इसको लेके जाओ आजमगढ़। और वो मंत्र ये है कि जो करना आजमगढ़ में रह के करना। कलाकार हो, तुम्हें लोग प्यार ही इसलिए करते हैं कि तुम कलाकार हो, तो अपनी कलाकारी मत छोड़ना, आजमगढ़ में अपना काम करना और देखना कैसे गरीब परिवार के लोग, माताएं बहनें सब तुम्हारे पास ही पहुंच जाएंगी और वहीं पहुंच कर वो अपना भी काम करवा देंगे। और पूजनीय महाराज जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके उस आदेश का मैंने पालन किया। आजमगढ़ में रहकर 8 फिल्में बना दिया मैंने हर विधानसभा में, और जहां फिल्म बनती है वहीं सड़क भी बनती है। तो आपकी कृपा से वो सारी सड़कें भी बन रही है जो कभी बनने वाली नहीं थी। आप बताइए, बनने वाली थी? एक एक सड़कें ऐसी थी महाराज जी कि जब मैं वहां से जाता था तो बहन हमारी मंजू सरोज जी हैं यहाँ उपस्थित हैं, ये इन्होंने कहा कि भैया ये ना बन पाई। हम गली कैसे ना बन पाई, पूजनीय महाराज जी से हम कहा जरूर बनी, और आपकी कृपा से वो जो 40 साल से सड़क नहीं बनी थी वो भी बन रही है। पूजनीय महाराज जी, आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। रासेपुर तितरा बिलरियागंज मार्ग जो वहां के लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दिया था, पूजनीय महाराज जी उन्होंने कहा कि ये एकदम आखिरी में है, ये तो बनेगा ही नहीं, इतना खड्डा टूट टाट गया, वो भी आपकी कृपा से बन रहा है। तो अब आजमगढ़ की जनता पूजनीय महाराज जी कहने लगी है, जब मैं आजमगढ़ में आता हूँ तो आजमगढ़ की जनता से पूछता हूँ कि खूब सवाल हो। आजमगढ़ के जनता पहले हम भोजपुरी में बताओ थे पूजनीय महाराज जी कि बनत एयरपोर्ट बाटे मोदी जी के राज में, और साइकिल छोड़ के आजमगढ़ उड़ी जहाज में। और चोर लुटेरा जितना रहना सबकर बन गई घंटी है। चोर लुटेरा जितना रहना है, ये तो गांव गांव में लोग देखत हो ना कि अगर पहले का जो शासन रहे, जो लोग शासन करत रहे, जो पार्टी शासन करत रहे, वो इतना चोराए के पैसा धैले हुआ जनता के कि गिनत गिनत मशीन हाफे लगत है, कई वो मशीन बंद पड़ गई, इतना पैसा, बाप रे बाप, किकर पैसा है? जनता का पैसा। लेकिन वो चोरों से लुटेरों से कुल पैसा लेके भारतीय जनता पार्टी का सरकार पाई पाई से गरीब का भलाई करत है, पाई पाई से गरीब का भलाई करत है। और हम आप सभी सुन रहे थे पूजनीय प्रधानमंत्री जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है तो अब ये कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि चोर लुटेरे जितने थे सबकी बज गई घंटी है, और भारत विकसित राष्ट्र बनेगा मोदी की गारंटी है। और ज्यादा हम ना बोलो, अब हम चाहते हैं कि कुछ पूजनीय महाराज जी से सुने जाए आशीर्वाद स्वरूप उनके तरफ से, और बाकी कौन लोग निश्चिंत राज पूजनीय महाराज जी हो और पूजनीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, ये डबल इंजन की सरकार जिस तरह चल रही है उसी सरकार के तर्ज पे, उत्तर प्रदेश के तर्ज पे पूजनीय महाराज जी के कार्यों को देखते हुए भारत का हर राज्य डबल इंजन की सरकार बनाने को तैयार हुआ है। और आप लोगों ने अभी अभी देखा है 3-3 प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी है, और जिस तरह से काम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में, हम सबको ये विश्वास है, भरोसा है कि जो मंत्र हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, सबका साथ सबका विकास, लेकिन होगा कब, जब सबका प्रयास। खाली ये ना सोचे गया कि मोदी जी और योगी जी के प्रयास से ही खाली हो, ना ही, जितने हमारे अधिकारी भाई बैठे हैं, जितने हमारे जनता के जनप्रतिनिधि बैठे हैं, सभी लोग सबके प्रयास से ही ये संकल्प पूरा होगा जो मोदी जी ने गारंटी दिया है। तो मोदी जी की गारंटी को पूरा करने के लिए अगर आप सभी तैयार हैं तो एक बार सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की जय, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद माननीय। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि वो मंच पर पधारें
और कुछ लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दें, अपना आशीर्वाद दें। और लाभार्थियों से भी हम अनुरोध करेंगे कि वो पंक्तिबद्ध होकर मंच पर आ जाएं। मैं चाहूंगी जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें, मंच पर पधार रहे हैं। हम सबके अभिभावक, संरक्षक, प्रदेश के मुखिया माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देंगे। इस क्रम में सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थी श्रीमती कुटुरा जी को घर की चाबी। सिर्फ हाथ जोड़कर प्रणाम कर सकते हैं, पैर छूने की जरूरत नहीं। अपना घर का सपना साकार हो रहा है। श्रीमती सुरसती सर पीछे है, सुरसती जी उज्ज्वला योजना के लिए ये दूसरी सुरसती हैं, पत्नी श्याम पर इन्हें प्रमाण पत्र। गायत्री देवी इन्हें भी उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है, लेकर आगे से ही चले जाए। गायत्री देवी को उसके बाद स्वामित्व योजना के अंतर्गत घरौनी विवेकानंद पांडे जी को। आपकी तालियों के बिना इन लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आती, आप ताली बजाएं। किसान सम्मान निधि के अंतर्गत प्रदीप पांडे जी को प्रमाण पत्र। तालियां बजे जरा। अखिलेश सिंह जी को भी इसी योजना का लाभ। आपकी तालियां इनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाएंगी। आयुष्मान भारत के अंतर्गत रजत कुमार जी को गोल्डन कार्ड और मुद्रा लोन के अंतर्गत रामेश्वर वर्मा जी को स्वीकृति प्रमाण पत्र। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बहुत ही आदर के साथ मैं अनुरोध करूंगी कि आज के अवसर पर मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें। भारत माता की। अरे आजमगढ़ की आवाज है, क्यों बेइज्जती करवाते हैं आपको? आजमगढ़ के नाम से तो लोग दुनिया कांपती थी, तो कम से कम अपनी आवाज से इतनी गुंजाइए अपनी आवाज को कि कम से कम यहां से लखनऊ और दिल्ली तक आवाज जा सके। तो जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के आज अकबेलपुर गांव में आगमन पर इस समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, लोकप्रिय सांसद श्री दिनेश लाल यादव निरहुआ जी।